आज हम मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं, हमारे चैनल पर हम सेफ्टी इंफॉर्मेशन और सेफ्टी अवेयरनेस के रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं, और वो भी हिंदी में। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को न्यू वीडियोस के लिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट में आपको 16 पॉइंट्स फिल करने होते हैं। मैंने स्क्रीन पे दिया है, चेक करें। ये पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स को हम कॉमनली MSDS कहते हैं। प्री वर्कप्लेस कार्यस्थल पर काम करने से पहले MSDS रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, जिन्हें वो यूज़ करें या स्टोर करके रखे हो। कोई भी मटेरियल यूज़ करने से पहले अब समय आ गया है कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट से वाकिफ हो जाए। और अगर आपकी ज़िम्मेदारी है ख़तरनाक मटेरियल परचेस करने की, तो आपके पास में एडवांस कॉपी होना चाहिए मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट की, क्योंकि उसका पहले रिव्यू होता है सेफ्टी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड। ऑर्डर मिलने से पहले हमें अप्रूवल की ज़रूरत होती है ख़तरनाक मटेरियल परचेस करने से पहले। और एक बार मटेरियल कार्यस्थल पर आ जाए तो उसे जो व्यक्ति यूज़ करना चाहे पहले रिव्यू करना चाहिए। और आपको हजार्डियस मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने के लिए किसी इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति के लिए वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सपोज़ आग लग गई, उस टाइम पर आग को एक्सटिंग्विश करना चाहिए, ना कि उस टाइम पर अपना टाइम वेस्ट करें MSDS रिव्यू करने में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब आते हैं MSDS के कैटेगरीज में। आमतौर पर MSDS को ये कैटेगरीज में बांटा गया है, स्क्रीन पर चेक करें। नंबर 1, प्रोडक्ट एंड सप्लायर आइडेंटिफिकेशन। प्रोडक्ट के बारे में फुल डिटेल लीजिए, जैसा प्रोडक्ट किन चीज़ों से मिलके बना है, और सप्लायर आइडेंटिफिकेशन में कंपनी आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स लीजिए, जैसे कंपनी का नाम, एड्रेस और इम्पोर्टर एड्रेस। नंबर 2, कंपोजिशन। कंपोजिशन में चेक करें कितना परसेंट प्रोडक्ट और उसकी एक्सपोजर लिमिट की फुल डिटेल चेक करें। 3, हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन। 4th पॉइंट, फर्स्ट एड मेजर्स। 5th, फायर फाइटिंग मेजर्स। 6th, एक्सीडेंटल रिलीज मेजर्स। 7th, हैंडलिंग एंड स्टोरेज। 8th, एक्सपोजर कंट्रोल्स पर्सनल प्रोडक्शन। 9th, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। 10th, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। 11th, टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। 12th, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। 13th, डिस्पोजल कंसिडरेशन। 14th, ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन। 15th, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन। लास्ट 1, अदर इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, ये 16 पॉइंट के बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। फिलहाल मैंने सिर्फ इसके बारे में बताया है। अगली बार मैं एक प्रोडक्ट लेके आऊँगा, जैसे मिथेनॉल। तो स्टे कनेक्ट विद अस। I will upload about methanol MSDS video हिंदी में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ तो लाइक करें, शेयर करें, और न्यू दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कमेंट बॉक्स पर लिख कर ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। If you like the video, give it a thumbs up, share the video, and subscribe to be the best channel for more updates.